का एकांक काल जब चल रहा था तो सबसे पहले बड़नेर गांव के रामदेव यानी कि दादोस वो भगवान जी के साथ निकल पड़े। आप उन्हें यूं कहिए कि वो पहले शिष्य थे, तो जब भी वो कहीं जाते थे, किसी गांव में जाते थे, किसी प्रदेश में जाते थे, किसी प्रांत में जाते थे, तो हमेशा अगर उनको कोई अच्छी वस्तुएं दिखती हो तो वो दो वस्तुएं लेकर आते थे। कितनी वस्तुएं लेकर आते थे? दो वस्तुएं, एक तो अपने भगवान जी के लिए और एक खुद के लिए। तो ऐसे ही एक दिन वो तेलंग प्रदेश में है, तेलंग प्रदेश में जाकर उन्होंने बड़ी अच्छी कटोरियां देखी, जो कटोरी होती है थाली में जो आप जिसके अंदर कुछ सब्जी वगैरह कुछ परोसते हो, वो कटोरियां उन्होंने ली। अब कटोरी बहुत ही अच्छी थी, बेतहाशा अच्छी थी, उनको बड़ी अच्छी लगी, तो दो कटोरियां उन्होंने ली। आते ही भगवान जी के सामने वो कटोरी रखी और एक अवसर करके उन्होंने भगवान जी को वो कटोरी समर्पित करी। सीख क्या मिली हमें यहाँ पर? आगे लीला बहुत है, लेकिन हर एक पॉइंट, हर एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद हमें एक सीख मिलती है कि कोई भी अगर अच्छी वस्तु हो तो वस्तु वैसी देनी चाहिए, कुछ एक अवसर वगैरह करके वो भगवान को समर्पित करनी चाहिए। उन्होंने वो कटोरी भगवान जी को समर्पित कर दी और एक कटोरी खुद के लिए रख दी। एक दिन क्या हुआ कि दादोस की शिष्या रानाइसा, जो कि एक मत के अनुसार वो उनकी माँ की थी, तो दादोस को किसी कार्यवश भगवान जी से जाना था, वहां से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान जी को और वो वहां से चलने के लिए तैयार हुए। तो दादोस की जो शिष्या थी रानाइसा, अब बर्तनों में उनकी कटोरी यहाँ चली गई, भगवान जी के बर्तनों में उनकी कटोरी चली गई, तो वो झट से गई रसोई घर में, वहां पे देखा तो वहां दोनों कटोरियां वैसी थी, तो उन्होंने झट से एक कटोरी उठा ली और चल पड़ी। भगवान जी बरामदे में आसन है भगवान जी का, वहां पे भगवान जी हंस हंस के वो सब कुछ देख रहे, क्योंकि ये लीला एक वचन का निमित्त है, एक वचन, इस लीला के माध्यम से एक वचन का जन्म होना है अभी यहाँ पर, और वो वचन बहुत ही निहायत सुंदर वचन है। वो भगवान जी देख रहे, उधर से महादाइसा है, महादाइसा ने देखा कि रानाइसा के हाथ में हमारी कटोरी है, उसे भी पता था कि दो कटोरियां एक जैसी ही, एक भगवान जी को दी, एक दादोस ने छुपके भी रखी है, तो उसने झट जाकर वहां देखा कि भगवान जी की कटोरी रानाइसा के पास गई वहां पे, और उसके हाथ से वो कटोरी ऐसे छीन ली। देखना, छीन ली उसने, ऐसे उसने मांगा नहीं है, छीन लिया। आप प्रथम दर्शन ही कहोगे कि छीनना गलत है, लेकिन किस पर्पज के लिए उसने वो कटोरी छीनी, ये पर्पज जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है नहीं यहाँ पर। तो उसने कटोरी छीन ली और कहती है, हमारी कटोरी आपने क्यों ली? क्या कहा उसने कि हमारी कटोरी आपने क्यों ली? अब सही में वो कटोरी भगवान जी की थी या महादाइसा की? भगवान जी की थी ना, लेकिन एक अपनेपन का भाव उसके अंदर जागरूक था, तो भगवान जी के पास वो आई और उसने वो कटोरी रख दी। भगवान जी हंस के कहते हैं, महादाइसा क्या ये कटोरी भी तुम्हारी है? तो वो कहती है, अब किसी ने और पूछा, और किसी ने पूछा तो फिर उसने टाल दिया होता, लेकिन जब भगवान जी पूछ रहे हैं तो कहती है, भगवान जी जो आपका है वो हमारा नहीं है क्या? कितना अच्छा भाव है, कितना अपनेपन का भाव है, यही भाव हमें अपने अंदर लाना होगा। तो ईश्वर कहते हैं, सही है आपका, ऐसा ही भाव हर जीव के अंदर होना चाहिए, जो हमारा है वो खुद हमें अपना मानकर चलना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छे से सूत्र का जन्म हुआ। भगवान जी कहते हैं, ऐसे कह हुई पूरा जीवा जे एक ही चेते आपुले। क्या कहते हैं भगवान? हम तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनंत युगों से हम इसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। वो क्षण क्या है कि इस जीव ने ऐसा अभिमान कब लेगा? ये जीव, उसने क्या कहा? भगवान जी ने क्या कहा कि ऐसे कह हुई पूरा जीवा, इस जीव को ऐसा कब होगा कि इस ईश्वर धर्म की हमारे उपयोग में सभी जाने वाली वस्तु है, हम उनको अपना मानकर कब चलेंगे?
अगली बात समझ में, भगवान जी को क्या कहना था कि कोई भी चीज जो कि है वो हमें अपना मानकर चलनी चाहिए, हमें अपना मानना है उस चीज को, बल्कि पराया नहीं। जैसे कि पिछले संडे विषय चल रहा था कि देव पूजा और विकल्प के, विकल्प दोष के बारे में। शुरुआत में मैंने कहा कि धर्म वार्ता प्रसंगे सर्वत्र अवस्थान, इस लीला का इस विषय से बहुत ही नजदीक ताल्लुक है, काफी गहरा रिश्ता है इस लीला का। धर्म, धर्म को आप कैसे समझेंगे, या फिर धर्म को हमें अगर किसी दूसरे को समझाना हो तो हमें कैसे समझाना होगा उसे? धर्म किन चीजों से बनता है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के अंदर कितने पक्ष आते हैं, जैसे कि स्थान, प्रसाद, वासनिक और भिक्षु। स्थान, स्थान के अंदर स्थान और कोटे भी आएंगे, जैसे कि भगवान जी ने आज्ञा करी हुई है कि एथिचे ओटे गोटे, ये सारे हमें नमस्करणीय है, हमें वहां जाकर उनका नमस्कार करना चाहिए, वहां जाके हमें स्थान बंधन करना चाहिए। प्रसाद, धातु, काष्ठ, लोहा, चर्म आदि जो भी प्रसादिक वस्तुएं हैं, जो कि भगवान जी ने प्रसन्नता से दी हुई वस्तुएं जो हम कहते हैं, तो ये जो सारी वस्तुएं ये प्रसाद रूप में आती है। वासनिक, जो कि आप हो, वासनिक को कहते हैं कि जिसकी वासना निकी हो, यानी हमेशा हर पल पल वो ये सोचता रहे कि मुझे अभी अनुसरण लेना है, मुझे अभी संन्यास लेना है, वो रहा वासनिक। और अंत में आते हैं भिक्षु, जो अपना सब घर बार त्याग कर, सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थान, स्थान के अंदर क्या आता है, स्थान के अंदर कोटे आते हैं, स्थान है, अवस्थान है, कुड़ी बस्ती स्थान है, आसन स्थान है। स्थान, किसी जगह पर भगवान जी अगर खड़े हैं कुछ देर के लिए तो उसे कहेंगे चरणचारी स्थान, यानी वहां पर भगवान जी कुछ देर के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद आता है आसन स्थान, कुछ देर के लिए, जैसे चालीका देव या फिर और कई स्थान पकड़ लो, जैसे बैठक है, बांबोरी है, डोमेग्राम है, कि कई स्थानों पर भगवान जी सिर्फ बैठे हैं, या फिर बैठकर किसी को ज्ञानामृत दिया हो या किसी को उपदेश दिया हो, वो है आसन स्थान। तीसरे नंबर पे आता है बस्ती स्थान, जहां पर भगवान जी एक दिन रहे हो। उसके बाद आता है कुड़ी बस्ती स्थान, यहाँ पर भगवान जी दो दिन एक रात कहो या फिर दो रात एक दिन कहो, इस हिसाब से उसको कुड़ी बस्ती स्थान कहते हैं, जहां पर भगवान जी पांच छह सात दिन रहे हो, उसको कहते हैं अवस्थान। और नौ दिनों के पश्चात भगवान जी वहां पर कितने भी दिन रहे, उसे कहते हैं महास्थान। तो ऐसे उन स्थानों की महिमा है। तो शुरुआती दौर में जब हमारे भगवान जी हमें छोड़कर चले गए, शायद भगवान जी ने यही सोचा होगा कि इन काले कलुटों का मुंह देखने से अच्छा कि मैं दूसरे जीवों का उद्धार करूं। और शायद भगवान जी की ये जो सोच शायद सही है कि हम जितना वक्त अपने संसार के प्रति देते हैं उतना वक्त हम धर्म के प्रति नहीं निभाते, उतना वक्त हम ईश्वर को नहीं समर्पित करते। तो भगवान जी के जाने के बाद कुमार पास को भी एक बड़े आचार्य हुए, एक बहुत ही सात्विक महात्मा थे। तो उन्होंने भगवान जी जहां जहां पर गए, महाराष्ट्र में जहां जहां पर भी गए, जहां जहां पर अवस्थान किया, महास्थान हुआ, उन सारे स्थानों की उन्होंने क्या की, बांधनी की। बांधनी यानी अगर कोई स्थान छिन्न विच्छिन्न पड़ा हो, किसी क्षतिग्रस्त अवस्था में वो पड़ा हो, तो उसको ठीक तरीके से ऐसी चौकट लगाकर कोटा टाइप बनाया, यानी चबूतरे के मानिंद उसको बनाया। किसके लिए बनाया, हम लोगों के लिए बनाया, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, जो भी प्रजातियां होगी, उनको अगर धर्म का पता चलेगा तो वो वहां जाकर स्थान बंधन करेंगे, उनके